27 फरवरी को बुध करेंगे शनि की राशि कुंभ में गोचर। बुध के इस गोचर से सूर्य और बुध की बनेगी जबरदस्त युति। कुंभ राशि में बनी ये युति इन राशियों को करेगी मालामाल। अपनी राशि का हाल जानने के लिए देखें वीडियो। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। 27 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर शनिदेव के साथ साथ सूर्य के साथ भी उनका कॉम्बिनेशन बनेगा और इससे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाने वाला बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग बनने से कई राशियों के लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बुध ग्रह 27 फरवरी को 4:55 पर कुंभ राशि में अपना गोचर शुरू करेंगे। इस समय बुध मकर राशि में है। बुध शनि की कुंभ राशि में 27 फरवरी को शाम से लेकर 16 मार्च को सुबह तक रहेंगे और उसके बाद 16 मार्च को सुबह 10:53 पर वो बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जहां पर उनका देवगुरु बृहस्पति के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन उससे पहले 27 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में गोचर से सूर्य के साथ जो बहुत ही शुभ बुधादित्य संयोग बन रहा है, उससे कई राशियों के लोगों को बिजनेस, नौकरी और इनकम में विशेष लाभ होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना गया है, क्योंकि उनकी एनर्जी से ही दुनिया चलती है और वही व्यक्ति को सफलता, पराक्रम, कॉन्फिडेंस देते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तित करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर लोगों के कैरियर पर, सेहत पर, सफलता और असफलता पर पड़ता है। वैसे भी ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमारे मान सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति को समाज में पूरे यश और मान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कभी वक्री नहीं चलता, यानी उल्टी चाल नहीं चलते, प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, जो प्रतिदिन दर्शन देते हैं। हमारे शास्त्रों में सूर्य की उपासना से मिलने वाले शुभ फलों की एक लंबी फेहरिस्त है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो ये ताकत के, अधिकार के, यश के, नौकरी आदि के देवता हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बुध ग्रह की बात करें तो इन्हें नव ग्रहों में राजकुमार का दर्जा हासिल है। ज्योतिष में बुध ग्रह को हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी का प्रतीक माना गया है, बिजनेस का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है, भाषण कला दूसरों को सम्मोहित करने वाली होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं, एंकर होते हैं, वकील होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। बुध को गणित का, वाणिज्य का, वाणी का, कम्युनिकेशन का, तर्कशास्त्र का और सेंस ऑफ ह्यूमर का कारक भी माना जाता है। सूर्य और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं और अक्सर अधिकतर कुंडलियों में ये ग्रह एक दूसरे के साथ रहते हैं या आसपास रहते हैं। इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाने वाला बुधादित्य योग बनाता है, जो 27 फरवरी को बनने जा रहा है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि सूर्य और बुध की युति से किन राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। ऐसी पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग शुभ फलदायी रहने वाला है। मेष राशि वालों को काम में, कारोबार में सफलता हासिल होगी। जो बिजनेसमैन है उन्हें अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में आप कामयाब रहेंगे। पदोन्नति के साथ वेतन में भी वृद्धि हो सकती है और नौकरी पेशा लोगों को मनचाही नौकरी और मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकती है। दूसरी भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। कुंभ में बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सफलतादायक रहेगा। बिजनेस में अपार सफलताओं के योग बनेंगे, मुनाफे के अच्छे अवसर मिलेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन लाभ के मौके मिलेंगे, नौकरी पेशा लोगों को अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी और मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। तीसरी भाग्यशाली राशि बुध की अपनी ही मिथुन राशि है। बुधादित्य योग से मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के अच्छे दिन आएंगे, जीवन में तरक्की होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होगा, समय अनुकूल रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा और कॉर्डियल रिलेशंस बनेंगे। इतना ही नहीं, सब्दी में पार्टनरशिप में भी काम शुरू होने की संभावना है, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। चौथी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। बुध का गोचर तुला राशि के लोगों की इनकम में बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। इनकम बढ़ने से आर्थिक स्थिति पहले से उम्दा होगी।
शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी, अच्छी कोई खबर मिल सकती है, बिजनेस में उठाए गए कदम कामयाबी दिलाएंगे, मानसिक सेहत अच्छी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो फेवर में रहेगा, किसी उच्च संस्थान में एडमिशन पाने का सपना साकार हो सकता है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। और पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। बुध के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों को मनचाही सफलता मिलेगी, आपकी वाणी का जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया रहेगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे, बस ध्यान रहे कि उतावलेपन में कुछ गलत ना बोलें। नौकरी पेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, सहकर्मियों का यानी आपके जो कुलीग हैं उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने कई कार्यों को कुशलतापूर्वक करेंगे जिससे आपको प्रशंसा हासिल होगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही, मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए, मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।